Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं गौरव चौधरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फोटो देख के समझ ही गए होंगे आप, हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो दोस्तों इस बार गुरुजी ने थोड़ा निराश किया है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। दोस्तों नोकिया 6.1 प्लस जो कि बहुत ही कमाल का फ़ोन है, उसका ना तो कोई अनबॉक्सिंग आई है ना कोई उनका ओपिनियन आया है। दोस्तों चलो अनबॉक्सिंग तो बहुत दूर की बात है, ओपिनियन तो बताना चाहिए था, एक वीडियो बनानी चाहिए स्पेशल, क्योंकि बहुत ही अच्छा फ़ोन है नोकिया 6.1 प्लस। तो दोस्तों यही सब है टेक्निकल चैनल की कहानी, जो कंपनी दे देती है फ़ोन उनकी होती है अनबॉक्सिंग और उनके बारे में बताया जाता है। अच्छा तो दोस्तों ओप्पो के F1 प्लस है, पता नहीं प्रो है, उसके लिए बनी स्पेशल वीडियो भी और ओपिनियन भी बताए, लेकिन नोकिया के फ़ोन का ना कोई ओपिनियन आया ना कि अनबॉक्सिंग आई। चलो अनबॉक्सिंग तो कंपनी ने नहीं भेजा होगा फ़ोन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ओपिनियन के लिए एक स्पेशल वीडियो तो बनती थी, क्योंकि नोकिया 6.1 प्लस बहुत ही कमाल का फ़ोन है। तो दोस्तों वैसे तो गुरुजी बहुत कहते हैं कि मेरा बहुत लगाव है नोकिया के साथ, नोकिया को अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन इस बार बहुत निराश किया है अपने फैंस को या अपने सब्सक्राइबर्स को, कुछ भी कह लीजिए। दोस्तों मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ टेक्निकल गुरुजी का, लेकिन इस बार मुझे लगा ऐसे, मैंने नोट किया, आजकल में ही नोट किया था दोस्तों, तो चलो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दी जाए, क्यों ना सबको बता दिया जाए। दोस्तों मैंने एक बात नोट की है, जो कि आपने भी शायद की होगी, पहली वीडियो में गुरुजी ओप्पो या वीवो के फ़ोन को ज़्यादा अच्छा नहीं बताते थे, सिर्फ कैमरा ही करते रहते थे, लेकिन जब से अब वो पता नहीं क्या हुआ है, अनबॉक्सिंग आनी शुरू हुई है या कंपनी वालों ने फ़ोन देने शुरू कर दिए हैं, तब से तो ओप्पो वीवो को भी अच्छा बताने लग गए हैं। मैं मानता हूँ कि वो वीवो का नेक्स और ओप्पो का फाइंड एक्स बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन जो प्रो पता नहीं F1 प्रो भी हाल ही में लॉन्च हुआ, वो इतना अच्छा फ़ोन नहीं है जितना गुरुजी ने बता दिया है दोस्तों। तो लेकिन चलिए कुछ भी है, उनका अपना चैनल है, कुछ भी करें, हमें तो ऐसा लगा, हमने वीडियो बना दिया। और आप बताइए आपको कैसा लगता है कि ये सही वीडियो या गलत वीडियो, प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट में।